हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सविता गुप्ता में हार्दिक स्वागत है। वैसे जिंदगी में बहुत सी बातें जरूरी होती हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी इंसान का व्यवहार है। अगर इंसान का व्यवहार ठीक है, लेन देन के मामले में इंसान सही है, टाइम से किसी से पैसे लेता है और टाइम से चुका देता है, तो उसके रिश्ते में कभी भी कोई खटास नहीं आएगी। अगर वो व्यवहार का सही नहीं है, पैसे लेकर भूल जाता है या देने भूल जाता है, तो रिश्तों में एक अनबन हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है। भाई, पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसको पैसे को संभाल कर रखना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। भाई, बिना पैसे के इंसान दो कदम घर से नहीं निकल पाता, बड़ी खून पसीने की कमाई होती है। और वो पैसा आजकल हर इंसान की ये मंशा होती है कि किसी तरह से दूसरे का पैसा खा ले, किसी तरह से दूसरे का पैसा हड़प ले, चाहे इंसान जीते जी मर रहा है, कोई उसको परवाह नहीं होती, बस अपना अपना कर लो। अपने घर में सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, क्या किसी का धोखा देके पैसा मारो, किसी का झूठ बोलकर पैसा मारो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका व्यवहार, आपका पैसों के प्रति लेन देन सही है, तो आप कभी जिंदगी में मार नहीं खाएंगे और एक आपकी गुडविल बनी रहती है कि वो इंसान टाइम से पैसे लेता है, टाइम से उसने मूल चुका दिया, टाइम से ब्याज चुका दिया, फिर दोबारा से भी जरूरत पड़े तो उसको देने का मन करता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी में, कभी ना कभी, कभी घर बनाने के लिए, कभी शादी के लिए, कभी किसी की बीमारी के लिए, कभी ना कभी। कोई कितना भी रिच बंदा क्यों ना है, उसको भी कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है कि किसी से पैसे मांगने पड़ जाए। ऐसी स्थिति आती है जिंदगी में कि बंदे को उधार लेकर, कर्ज लेकर अपना काम चलाना पड़ता है, पर वही पैसा इंसान इज्जत से, टाइम से और अपना अच्छे तरीके से उसका चुका दे तो कितनी खुशी होती है। पल भर के लिए हम खुश हो जाते हैं कि हाँ, मैंने उसका पैसा रख लिया, या 1000 रुपए कम दे दिए, या कुछ पैसे कम दे दिए, पर ये सब हमारे साथ चलता है। जब हम हॉस्पिटल में बेड पर होते हैं तो एक एक छोटी छोटी बात हमारे दिमाग में घूमती है, मेरे तो खासकर। किसी का एक पंजी भी देनी हो, किसी का मैंने बुरा किया हो, तो वहां जब मैं हॉस्पिटल में लेटती हूं तो मुझे बड़ा याद आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से हमें जिसका भी पैसा देना है, कोई भूल भी गया तो जाकर उसका पैसा लौटा दे, क्योंकि उसकी बददुआ बहुत बुरी होती है। अगर जब आप किसी का पैसा रखते हैं तो उसकी बददुआ बहुत खराब होती है, वो कहीं ना कहीं आपका अनिष्ट कर देती है। वही पैसा आपका बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, किसी ना किसी चीज में लग जाता है। एक टाइम इंसान खुश हो लेता है कि हाँ, मैंने पैसा कमा लिया, पर जो सुकून आपको अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई में जो सुकून है, वो दूसरे का पैसा मारने में नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना पैसों के प्रति लेन देन, व्यवहार एक अच्छा सा बनाए रखें। कितना मजा आता है फिर रिश्तों में, रिश्तों को निभाने में और बातचीत करने में। नहीं, बंदा मोस्टली लोग क्या होते हैं कि लेना तो याद रहता है पर देना याद नहीं रहता, और गर्दन घुमा के मुंह फेर के निकल लेते हैं। जरा सा भी कुछ पैसे देने हो तो उनको याद ही नहीं रहता, ऐसे इग्नोर करेंगे कि जैसे पता ही नहीं, अनजान इंसान है। यही बातें, छोटी छोटी बातें इंसान को बहुत ज्यादा टेंशन देती हैं, बहुत खलती हैं। इसीलिए आजकल अधिकतर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। इतने रिश्ते नाते दूर दूर से कहने को, बहुत बड़े बड़े खानदान है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है, पर अंदर से एक अकेलापन फील होता है। क्यों? ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से रिश्ते खत्म होते जाते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं, लेन देन के मामले में, पैसों के मामले में, और सबसे अपना आपसी रिश्ता
बहन से, भाई से, बेटी से, बेटे से, पैसे के मामले में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है। लेन देन अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। मेरी मम्मी भी बोलती थी, लेन देन माँ बेटी का, लेन देन बाप बेटे का। तो पैसे के मामले में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, एक एक पाई पाई इंसान जिंदगी भर जोड़ता है, और वो पैसा उसके काम ना आए तो बड़ा मुश्किल होता है। कोई मार ले उसका पैसा तो बड़ा मुश्किल होता है। जिंदगी काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना व्यवहार उचित बनाए रखें। थैंक्स टू ऑल। अगर मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट टू ऑल।